ठीक hey गाइस, आज हम पढ़ेंगे नहीं दू रोल से कुछ बुकैप्स जो कि के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं बैंक एस एस स्टेट बैंक्स, इन सबके लिए बहुत ज़रूरी है इट इज़ नथिंग जस्ट अ फाइव टू टेन मिनट क्विक रिवीज़न यू मस्ट टेक फाइव मिनट्स ओके सो टू बिगिन विद द वर्ड पेडिग्री पेडिग्री की हिंदी मीनिंग होती है वंश ओके okay? यानी कि जो आगे वाला आने वाला जो भी जनरेशन होता है आगे आने वाला उसे बोलते हैं वंश यानी कि पेडिग्री अ पर्सन फैमिली हिस्ट्री स्पेशली वेन दिस इज इम्प्रेसिव यानी कि किसी भी पर्सन की एक फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताना स्पेशली क्या हो वो काफ़ी अच्छा हो इंटरेस्टिंग हो इम्प्रेसिव हो इसके से लिनेज एंसेस्ट्री एंड डेन्ट नेक्स्ट कू जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तख्ता पलट यानी कि अचानक से क्या होना टेबल हैज टर्न बाजी पलट जाना जैसे लगता है कि हाँ ये लीडर जीतने वाले थे लेकिन अचानक से लास्ट में रिजल्ट आते आते क्या हुआ कूप हुआ यानी कि पलट हुआ यानी कि सब कुछ चेंज हुआ तो अ सडन इन एंड ऑफ ऑफ एन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का एक सडन इन चेंज होना या वायलेंट चेंज होना ओवर थ्रो टेक ओवर ऑस्टिंग ये इसके सिन्नम्स हैं नेक्स्ट confinement confinement की हिंदी मीनिंग होती है कारावास यानी कि जेल उसे कहते हैं कन्फाइनमेंट बीइंग केप्ट इन अ स्मॉल स्पेस यानी कि किसी भी पर्सन को किसी भी चीज को कहाँ रखना है कि स्मॉल स्पेस छोटे से जगह में रखना तो उसे कहते हैं कारावास इसके सरम्स हो गए इम्प्रिज़नमेंट एंड कैप्टिविटी नेक्स्ट पेरीफेरी पेरीफेरी हम उस जो हमारा क्षेत्र विशेष का बाहरी सिरा यानी कि कोई भी हमारा एरिया है जिस एरिया में हम रहते हैं आपने सुना होगा हमेशा कहते हुए कि आउट एरिया से आती है वो ओके यानी कि इस सिटी के आउट एरिया से यानी कि उस सिटी के उस सिटी से ही जुड़ा एक एरिया है जो सिटी में नहीं आता है लेकिन कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है तो उसे कहते हैं बाहरी सिरा द आउट एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इसके साथ हम सब एज मार्जिन एंड फ्रिंज नेक्स्ट रिकॉन्सिलेशन की हिंदी मीनिंग होती है सुलह यानी कि पहले लोगों में क्या था आर्ग्यूमेंट था लड़ाई था काफी कॉन्फ्लिक्ट था हर चीज को लेके लेकिन अब वो क्या हो गए फ्रेंडली हो गए तो उसी को कहते हैं सुलह द एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट और डिसअपॉइंटमेंट ओके इसके सम्स हो गए कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट एंड ट्रिटी तो ये इसके सिनेम्स हैं नेक्स्ट इन ड्यूरिंग Enduring की हिंदी मीनिंग होती है टिकाऊ यानी कि कोई चीज क्या हो कोई सामान है वो काफी इंड्यूरिंग है टिकाऊ है ओके ओके कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म यानी कि कोई चीज ऐसी हो जो बहुत ही लंबे समय तक चले इसके साथ हम सब ड्यूरेबल लास्टिंग परमानेंट एंड एवर भी होता है ओके okay? नेक्स्ट रीबाउंड रीबाउंड मतलब होता है अब बाउंड मतलब क्या होता है कि टकराना और यानि कि कर दूसरी तरफ चले जाना मूव कर जाना क्या कहलाता है रीबाउंड समबडी एंड देन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कि किसी भी किसी भी चीज से हिट होना टकराना और फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाना तो उसे कहते हैं रिबाउंड इसके सर हम बाउंस बैक एंड स्प्रिंग बैक ओके ये इसके सरम्स है इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ समथिंग ऑलरेडी लर्न बट पार्शली फॉरगॉटन ओके यानी कि जो आपके पास जो भी नॉलेज है स्किल्स हैं जो आपने पहले से सीख रखा है उसे क्या उसे क्या करना और भी ज्यादा इम्प्रूव करना इनहेंस करना ठीक है विद टाइम तो उसी को कहते हैं ब्रश अपॉन नेक्स्ट लास्ट आपका एक idiom है। यानी कि आपने सुना है जैसे को तैसा टिप फॉर डेट जस्ट लाइक उसी की तरह यह है अ टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन हार्श और ट्रीटमेंट दैट इज लाइक गिवन अदर पीपल ओके यानी कि एक हार्श बहुत ही सख्त और बहुत ही खराब ट्रीटमेंट करना किसी पर्सन से किसी पर्सन को क्यों क्योंकि सेम उसने आपके साथ भी वैसा ही किया है ओके तो ये सारे के सारे आज सारे के आपके वो कैप्स थे शाम में डेली टेलीग्राम पे साढ़े छः के बाद जो भी आप वो कैप्स पढ़ते हो उनका क्वेश्चन चलता है जिससे आपका रिविजन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ओके थैंक यू